महाराष्ट्र संकट पर मुंबई में शिवसेना और एनसीपी की बैठक के बाद संजय राउत का दावा, कहा हम फ्लोर पर, हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। शिवसेना का अंदर का अंदरूनी मामला है। एबीपी न्यूज से बातचीत में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का दावा, कहा मेरे साथ शिवसेना के 40 विधायक हैं, सरकार बनाने के सवाल पर बोले आगे चर्चा के बाद लेंगे फैसला। मुंबई में शिवसेना भवन में शिवसेना की अहम बैठक, सभी तालुका प्रमुख, जिला प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुखों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक को लेकर सेना भवन में सुरक्षा बढ़ाई गई। शिवसेना का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा केंद्रीय मंत्री ने दिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी। मंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी क्या? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर को हटाया। नासिक में शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर पर स्याही फेंकी गई। शिंदे के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन। महाराष्ट्र में सियासी संकट और बढ़ा, शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा, मतलब अब शिंदे गुट में शिवसेना के 2/3 विधायक हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भेजी चिट्ठी। एकनाथ शिंदे समेत 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। शिंदे बोले 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते। गुवाहाटी में बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को नेता चुना, बीजेपी का नाम लिए बगैर शिंदे बोले महाशक्ति हमारे साथ। शिवसेना के 2 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे, 2 दिन पहले बागियों को मनाने सूरत गए रविंद्र फाटक ने भी शिंदे गुट से मिलाया हाथ। अब शिंदे गुट के साथ 46 विधायक बताए जा रहे हैं। असम के गुवाहाटी में पुलिस ने शिवसेना के एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। बागी नेता एकनाथ शिंदे से नाराज होकर महाराष्ट्र से गुवाहाटी पहुंचा था शिवसैनिक। शिवसेना में बगावत पर शरद पवार का बयान, कहा हम महाआघाड़ी के साथ आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन भतीज अजीत पवार ने टूट के लिए पीछे बीजेपी का हाथ होने से इनकार किया। बगावत के पीछे बीजेपी है सर, क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो कई वैसा दिखाई नहीं दिया। एक टेलीविजन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है, आगे की रणनीति तय होगी। 2 महीने पहले स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्रालय को सूचना दी थी कि शिवसेना के 10 से 12 विधायक सरकार से बगावत कर सकते हैं। हालांकि सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे का इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित के सवाल, क्या इस बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है, पर अजीत पवार ने कहा हमें ऐसा नहीं लगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक पर कांग्रेस की बीजेपी को चुनौती, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, हम महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आज भी मजबूत है और कांग्रेस पूरे ताकत के साथ उद्धव ठाकरे जी के साथ। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र संकट के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया, कहा राउत के अहंकार की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद उद्धव जी का अहंकार भी कम होगा, उनके प्रवक्ता मिस्टर राउत वो भी जिस प्रकार की बकवास करते हैं उस बकवास का परिणाम था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को आज भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, कल ईडी ने 6 घंटे तक किए थे सवाल जवाब। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में नामांकन दर्ज किया। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता मौजूद रहे। मुर्मू जीती तो होगी देश की पहली आदिवासी महिला। राज्यसभा के नवनिर्वाचित 5 सांसदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ।
राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने दिलाई शपथ। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरा संयुक्त किसान मोर्चा, देशभर में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू, 30 जून तक चलेगा सत्र। विधानसभा परिसर में अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी और लेफ्ट का प्रदर्शन। बिहार के नवादा में कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन के आवेदन की जांच शुरू, डीएम के निर्देश पर 3 सदस्यों की टीम कर रही है जांच, तय मानकों की ली जा रही है जानकारी। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, निचली अदालत ने कार्ति को अग्रिम जमानत याचिका देने से इनकार कर दिया था। कार्ति और अन्य के खिलाफ 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंध में घोटाले के आरोप हैं। गलवान घाटी की हिंसा के 2 साल बाद पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना एक खास एक्सरसाइज कर रही है। समघट नाम की ये एक्सरसाइज बिना हथियारों की जा रही है। भारत की 4 मार्शल आर्ट्स को मिलाकर इस अनआर्म्ड कॉम्बैट एक्सरसाइज को भारतीय सैनिक कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता बने एनआईए के चीफ, मार्च 2024 तक पद पर रहेंगे। चन्नी सरकार ने गुप्ता को पद से हटाया था। दिल्ली से रामायण यात्रा के नाम से चली भारत गौरव एक्सप्रेस देर रात गोरखपुर पहुंची। अब ट्रेन जनकपुर के साथ देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करते हुए साउथ के धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ जाएगी। 18 दिन के इस पैकेज के लिए श्रद्धालुओं को महज 62,000 रुपए का भुगतान करना होगा। चीन में 14वां ब्रिक्स वर्चुअल समिट शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 4 देशों के प्रमुखों के साथ शिरकत की। ब्रिक्स वर्चुअल समिट में पीएम मोदी ने कहा, आपसी सहयोग से कई क्षेत्रों में हमारे नागरिकों को सीधा लाभ मिल रहा है। इस समिट के बाद ब्रिक्स संबंधों को और मजबूत करने के कई सुझाव निकलेंगे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली पुलिस के सामने कबूलनामा, सूत्रों के मुताबिक 8 लाख रुपए में बुलंदशहर से खरीदी गई थी AK-47 राइफल। हत्या की योजना पिछले साल शुरू हुई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बलदेव उर्फ निक्कू को गिरफ्तार किया गया। हत्या से पहले ब्रेकी करने के लिए केकड़ा के साथ गया था। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले थाने जेल से रिहा, शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में 15 मई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के लुधियाना से ड्रग्स तस्कर हरमनजीत उर्फ गोल्डी गिरफ्तार, 2 किलो हेरोइन, 8 लग्जरी गाड़ियां और 8 लाख रुपए बरामद। पंजाब के फगवाड़ा में पुलिस की अपराधी से मुठभेड़, बदमाश राजन को पकड़ने के लिए पुलिस ने की थी नाकाबंदी, उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई लेकिन राजन फरार होने में कामयाब रहा। बहुत दूर है, और
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।